नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं माइंड ट्री लिमिटेड के ऊपर, जो कि एक आईटी सेक्टर का लार्ज कैप स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। और अगर मैं इस स्टॉक की बाउंड ब्रेक हाई की बात करूं तो 5060 रुपये का बाउंड ब्रेक हाई है और 2650 रुपये के आसपास का बाउंड ब्रेक लो है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 55685 करोड़ का है और शेयर होल्डर लगभग 3.4 लाख शेयर होल्डर्स हैं। डिविडेंड उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, अगर वन ईयर रिटर्न की हम बात करें तो लगभग 25% का माइनस रिटर्न है, वन मंथ में लगभग 5% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखिए वन डे में लगभग ये 2% के आसपास ये डाउन हुआ है, लगभग 73 रुपये के आसपास। अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग 3284 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। और अगर हम यहाँ पे देखें वन डे का चार्ट लगा के, तो ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। लगभग इस स्टॉक का जो डाउन ट्रेंड है वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं वीकली चार्ट लगा रहा हूँ, लगभग 2800 रुपये से लेके 3000 रुपये तक ये करेक्शन हो सकता है। यहाँ पे आप बाइंग करेंगे तो आपको बॉक्स ट्रेडिंग में आपको फिर से टारगेट लगभग 3400 से लेके 3600 तक का मिलेगा। तो आप एक बार 2800 से 3000 के आसपास आने दीजिए स्टॉक को, आप यहाँ पे बाइंग करिए और अच्छा स्विंग ट्रेडिंग में एक पैसा बनाइए। लेकिन आप कभी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक जो लेबल होता है डाउन ट्रेंड का, तो आप डाउन ट्रेंड में आप वेट कीजिए। एक बॉटम जो बना हुआ है 2800 का, वहाँ से आप स्टॉप लॉस थोड़ा लगाइए कि हो सकता हो कि यहाँ से ये नीचे और करेक्शन होए तो हमारा लॉस ज़्यादा ना हो। आप स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखिए हर स्टॉक में। अगर मैं बोलने के लिए भी अगर भूल जाता हूँ कि स्टॉप लॉस, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।